अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पहली मर्तबा फन मीडिया के जरिए आपको कलाम पहुंचा रहा हूं। एक नात पाक का मतला हाजिर करता हूं और चंद शेर मुलाहिज़ा करें। जिस किसी का दिल नबी की जात से अनजान है, जिस किसी का दिल नबी की जात से अनजान है, उसकी दुनिया और उसकी आखिरत वीरान है, उसकी दुनिया और उसकी आखिरत वीरान है। रहमते आलम में मामुल लंबिया की शान है, रहमते आलम में मामुल लंबिया की शान है। आपके औसाफ हसना का बयां कुरान है, आपके औसाफ हसना का बयां कुरान है। शाफ़ए महशर भी हैं और साकिए कौसर भी हैं, शाफिए मैसर भी हैं और साकिए कौसर भी हैं। सारे नबियों में मोहम्मद की अनोखी शान है, सारे नबियों में मोहम्मद की अनोखी शान है। जो चलेगा राहे सरकारे दो आलम पर सदा, जो चलेगा राहे सरकारे दो आलम पर सदा, उसकी बख्शिश लाजमी है आपका फरमान है, उसकी बख्शिश लाजमी है आपका फरमान है। और हमारी शान एक है कि जाएंगे जन्नत में पहले मुस्तफा के उम्मती, जाएंगे जन्नत में पहले मुस्तफा के उम्मती। सारे इनकी सारी उम्मतों में एक अलग पहचान है, इनकी सारी उम्मतों में एक अलग पहचान है। रहमते आलम भी चुभते हैं तुम्हारी आंख में। फ्रांस के हवाले से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने गुस्ताखी की, बहुत उल्टे सीधे कलमात कहे। मैं उससे कहता हूँ कि रहमते आलम भी चुभते हैं तुम्हारी आंख में, रहमते आलम भी चुभते हैं तुम्हारी आंख में। फिर हकीकत है कि तू इंसान नहीं हैवान है, फिर हकीकत है कि तू इंसान नहीं हैवान है। कम है लेकिन दुश्मनों पर जंग में गालिब है वो, कम है लेकिन दुश्मनों पर जंग में गालिब है वो। पास असहाबे नबी के ताकते ईमान है, पास असहाबे नबी के ताकते ईमान है। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ मेरे पास मौजूद जैद अहमद जैद साहब अनवर अली साहब, इनके हवाले से मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि तू है एक इंसान तारीख अशरफुल मखलूक भी, तू है एक इंसान तारीख अशरफुल मखलूक भी, तू है एक इंसान तारीख अशरफुल मखलूक भी। शुक्र है अल्लाह का कि तू साहिब ईमान है, शुक्र है अल्लाह का तू साहिब ईमान है। और एक मक्ते का शेर और हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि शौक है तारीख मैं नाते मुस्तफा लिखता रहूं, और कहे सारा जहां ये वक्त का हसान है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी।